नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। और अगर आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, जा करके वहां के वीडियो एनरोल करके आप फ्री में वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इससे पहले बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल दोस्तों। यहां पे आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ के सेंट्रल आइडिया लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। तो इससे पहले अगर आप हमारे पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के, तो आप क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको लिखा है सर हेनरी वॉटन। इनका सेंट्रल आइडिया आपका आता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो वही आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सहित सब कुछ बता दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर नए आए हो और ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर 24 घंटे वीडियोज़ रेगुलर आया करते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं पोएम फर्स्ट, हमारी इंग्लिश फर्स्ट की सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको हेडिंग डालने के बाद सेंट्रल आइडिया का जैसे मैंने इस वीडियो में बताना है सेम उसी तरह आपको आपका सेंट्रल आइडिया लिख देना है जाकर के कॉपी में, और सेम इसी तरह आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये एकदम लिखा लिखाया मैंने लिखा है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से कोटेशन लिखेंगे। कोटेशन क्या रहेगा हमारा, हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जैसे ये सेम लिखा हुआ है सेम इसी अंदाज में आप लिखेंगे। तो क्या कोटेशन था हमारा, हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ने के बाद में हम सेंट्रल आइडिया लिखने चल देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए रियली डिडेक्टिक पोएम डेकोरेटेड बाई सर हेनरी वॉटन। In this poem, the poet narrates the life of to the poet worldly possessions and worldly success are not necessary for a happy life. He should be honest, independent and truthful. He should not be afraid of death. He should be sacred and should have self-respect. He should pass his life in the company of good people and good books. Contentment and self-respect are the greatest qualities of a happy man. Actually के बाद में यहाँ पे आपका कॉमा लगा हुआ है ताकि आपका कोटेशन एक और आ गया है, वो कोटेशन भी आपको लिखना है। तो कौन सा कोटेशन है मैं आपको बताता हूँ। कोटेशन में हम ब्लैक ही पेन से लिखेंगे, ये देखिए, सेल्फ कॉन्टेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑन अर्थ, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, फिर नीचे से लिखना शुरू करेंगे, अ फेमस क्रिटिक आयन रन हैज वेल सेड, ठीक है, किसी महापुरुष ने कहा है। एक और कोटेशन आ गया। जितने ज्यादा आप कोटेशन लिखने की कोशिश करोगे उतने ही नंबर आपको इसमें देगा, मतलब कि नंबर की लिमिट है 4 नंबर का है, बट मेरे कहने का मतलब था कि जितना आप ज़्यादा कोटेशन इसमें लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर देगा आपको, यानी कि 4 में से अगर आप कोटेशन लिख के लिखोगे तो 4 में से 4 मिल जाएंगे। अगर आप कोटेशन नहीं लिखोगे, सीधे सीधे आप सेंट्रल आइडिया लिख दोगे, तो आपको 4 में से 2 या 2.5 नंबर दे देगा। तो एक और कोटेशन आपका है, दी मोरल पर्पज ऑफ मैंस लाइफ इज द अचीवमेंट ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस, ठीक है, ये कोटेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया है। अब हम एक हेडिंग डालेंगे, पोएटिक ब्यूटी, काव्य सौंदर्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, पोएटिक ब्यूटी। तो इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, द पोएम गिव्स अस अ मोरल मैसेज इन ए वेरी सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज विच इज रिलेटेड टू द मैसेज ऑफ भगवद गीता द होली बुक ऑफ हिंदूज। द मैसेज इज दैट टू गेट हैप्पीनेस डू दे ड्यूटी रिवॉर्ड इज नॉट दे कंसर्न। ये हमारा नेक्स्ट कोटेशन हो गया। तो ये आप ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ आपके सामने नजर आ रहा है।
सेम इसी तरह आप लिख देना, यहाँ पर जाकर के आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो रहा है। तो ये सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड परीक्षा 2019 के लिए। तो एकदम रट लीजिएगा इसमें आप वेरी 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 वेरी, जितना मैं आपको वेरी वेरी बताऊं उतना वेरी वेरी कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैंने दे दिया आपके याद करने के लिए, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं मैं, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, बिकॉज इस वीडियो की सबको जरूरत है। तो जल्दी से शेयर कर दो इस वीडियो को, और अगर आप नए आए हो चैनल पर तो नीचे दिए गए लाल वाला बटन है एक सब्सक्राइब कर, तो उससे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।